हेलो स्टूडेंट्स, हाय, नमस्कार, राधे राधे। अभी देखो क्या, IBPS क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है, तैयारी कर रहे हैं। मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक सवाल होता है कि जैसे IBPS क्लर्क की भाई सैलरी कितनी है, करंट में क्या सैलरी है ना, तो करंट में क्या सैलरी है, कितनी सैलरी मिलती है, ये एक मोटिवेशन का पार्ट है और पता भी होना चाहिए, जो कि आपको मोटिवेट करता है। PO की आप तैयारी कर रहे हैं तो PO का मोटिवेशन आपको मिलता है। SBI की तैयारी कर रहे हैं, SBI का मोटिवेशन मिलता है। क्लर्क की आप तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क का मोटिवेशन मिलता है। तो IBPS क्लर्क का जो अगर हम बात करें बेसिक पे, तो वो 19,900 है, ठीक है। उसमें अलाउंसेस मिलते हैं, तो अलाउंसेस को मिलाकर अगर हम उसकी IBPS क्लर्क के पे की बात करते हैं, तो वो हो जाता है 32,400। कितना हो जाता है? 32,400, 32,407 विद अलाउंसेस, जो आपको अलाउंसेस मिला के है, ठीक है। अब इसमें प्रोविडेंट फंड का आपका करता है 2,500 समथिंग, वो आपका करता है। तो 2,500 समथिंग अगर आपका प्रोविडेंट फंड का कट जाता है, तो आपकी जो नेट सैलरी बनती है वो बनती है 30,000। नेट सैलरी क्या बनती है? 30,000, 30,000, ठीक है गाइज। तो बिल्कुल मोटिवेशन है। और उसके बाद 3 साल में आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आप PO बन जाते हैं, फिर आगे आपका एक करियर ग्रोथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऑफकोर्स कहते ना, कोई भी एग्जाम छोटा नहीं, ठीक है, हर काम अपने आप में बड़ा होता है, आपके सपने में दम होना चाहिए। तो जहाँ सैलरी की बात है, तो इन हैंड अगर हम बात करते हैं, नेट सैलरी वो 30,000 अप्रॉक्स, और अगर आप विद अलाउंसेज और सब हम बात करते हैं, तो वो आपका पड़ता है 32,407, और जिसमें आपके प्रोविडेंट फंड का कटता है, ठीक है। बेसिक पे आपका 19,900, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, फोकस करिए स्टडी पर, और एग्ज़ाम निकालना है बेहतरीन तरीके से। PO पे फोकस करिए, फिर क्लर्क का भी निकालना है, और मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। रीजनिंग क्लासेस आपको चली रही है, मैं आपके साथ हूँ, और आप अच्छे से तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।